इरफान गाय साहब, क्योंकि आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो है एहतसाब और दाखला का भी, तो दिसंबर में इमरान खान साहब से मुतालिक कहा जा रहा है कि दिसंबर का महीना इमरान खान पर खासा भारी हो सकता है, इन खबरों में किस हद तक सदाकत है? देखें, ये जितने भी केसेस हैं ये अपने अपने कुछ एफआईए के पास हैं, कुछ और इदारों के पास हैं। इसमें इलेक्शन कमीशन का भी एक फ़ैसला आ चुका है, तोशाखाना में भी एक फ़ैसला आ चुका है इलेक्शन कमीशन का, और इसमें फॉरेन फंडिंग के बारे में भी एक फ़ैसला आ चुका है। तो ये तमाम अदारे अपना काम कर रहे हैं। हाँ, अगर आपको ये महसूस हो कि अगर ये अपने काम में कोई कोताही कर रहे हैं तो ज़रूर हमें बताएं, बिकॉज जहाँ तक मेरा ताल्लुक है बतौर स्पेशल असिस्टेंट के या और जो काबीना के वज़रा हैं उनका, तो ऑब्वियसली उनमें से कोई भी ये नहीं चाहेगा कि वो विच हंटिंग की तरफ खुद शुरू हो जाए, क्योंकि ये तो अदारों का करने का काम है। हाँ, अगर अदारे अपना काम ना कर रहे हों, और बहुत सारे अदारे जो हैं उसको ओवरसी करना हमारा फ़र्ज़ है और हम सुपरवाइज भी करते हैं, तो उस हद तक अगर कोई आपको ऐसी चीज़ नज़र आए तो हमसे शेयर करें, इंशाल्लाह हम बिल्कुल आपकी यानी शिकायत जो है उसका अजाला करेंगे। इरफान साहब, ये तोशाखाना केस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जेर समात रहा, फिर नैब ने भी इसको टेकअप कर लिया, इस वक्त नैब भी प्रॉप कर रहा है, लेकिन दरियासना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब को पार्टी सरबराही से हटाने की कार्रवाई जो है वो भी शुरू कर दी है, तो ये फरमाइएगा, ये 13 दिसंबर को केस है, ये पार्टी सरबराही से हटाने का केस, और फिर क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब भी नाहल हुए थे, उनको भी पार्टी सदारत से हटा दिया गया था, उस केस में और इसमें किस कदर मुमासलत है? हाँ, अब मियां नवाज शरीफ के खिलाफ तो एक गलत केस बना और वो पनामा केस के नाम से मशहूर हुआ, और वो मियां नवाज शरीफ के खिलाफ भी बना और उनकी साहिबजादी जो हैं मरियम साहिबा उनके खिलाफ भी बना। आप सब जानते हैं कि मरियम साहिबा जो है उसमें एक्विट हो गई हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तफसीली फैसला आ चुका है, जिससे कि अभी तक किसी भी दानिश्वर ने इख्तलाफ नहीं किया, और मैं आपकी ये प्रोग्राम की वसात से आपको ये बताता चलूँ कि मियां नवाज शरीफ का केस भी बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग केस है, उनकी भी कन्विक्शन बिल्कुल गलत है। वो जब पाकिस्तान में आएंगे इंशाल्लाह वो भी कन्विक्शन ओवरटर्न हो जाएगी, बहरकैफ इस सारी चीज़ों के बावजूद उनको जब पार्टी की सरबराही से भी हटा दिया गया था अदालत के ज़रिए, तो मेरे बड़े तहफ़ात तो उस फैसले के बारे में, लेकिन जहाँ तक खान साहब का ताल्लुक है उनके खिलाफ जो फैसले हैं वो अक्सर जो केसेस हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग केसेस हैं उनके खिलाफ, तो अगर ऐसी नज़ीर है ना अहल करने की एक फ्रिवलस ग्राउंड पे, तो जहाँ अच्छे केसेस उनके खिलाफ जहाँ स्ट्रॉन्ग केसेस मौजूद है वहाँ पर तो बहुत इम्कान है कि वो भी नाअहल हो जाएंगे पार्टी सरबराही से। अभी जो उनकी नाअहली की ग्राउंड्स है वो तो तोशाखाना स्कैंडल है, तोशाखाना केस है, इन ग्राउंड्स के ऊपर ही यकीनन पार्टी सरबराही से अलीहदगी होनी है, और मियां नवाज शरीफ साहब की नाअहली के बाद ही पार्टी सरबराही से सदारत से हटाया गया था। आप ये समझते हैं कि ये ग्राउंड्स काफ़ी हैं उनको पार्टी सदारत से हटाने के लिए? किन को पार्टी? मियां नवाज इमरान खान साहब की बात कर रहे हैं, ये जो तोशाखाना केस में नाहली हुई है, मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन प्रोसीड कर रही है उनकी पार्टी सदारत से हटाने के मामले। जी, मैं समझता हूँ कि काफ़ी इम्कानात हैं, हालांकि मैंने तो बताया कि प्रिंसिपली मैं समझता हूँ कि अगर कोई नाअहल हो भी जाए तो उसको पार्टी की सरबराही से नहीं हटाया जा सकता, और अदालत के इस फैसले से मैं एग्री नहीं करता, लेकिन खान साहब ने चूँकि इस फैसले को बहुत सराहा था खुद, तो यह मकाफात अमल है कि मुझे लगता है कि वो भी नाअहल होने जा रहे हैं। और इरफान कादिर साहब, एट दिस पॉइंट इन टाइम बहुत सारे लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जुरिसडिक्शन पर भी सवाल उठा रहे हैं ना, कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है? बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन के पास मुझे तो इस पर कोई उस तरह का शक नहीं है, लेकिन बहुत सारा इख्तियार जो इलेक्शन कमीशन इन मामलों में इस्तेमाल कर रही है वो सुप्रीम कोर्ट ही की बहुत सारी जजमेंट्स को रिलाय करके कुछ लोगों को नाअहल किया गया, जिस तरह फैसल वाडा को नाअहल किया गया तो वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रिलाय किया गया, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को थोड़ा सा नरम कर दिया, जो कि मैं तो सुप्रीम कोर्ट को उन फैसलों से एग्री नहीं करता, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है और बहुत सारे लोग जो हैं वो फिर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स के से घबराते हैं और वो इसलिए खामोश रहते हैं, तो हमारी जो ज्यूरिसप्रूडेंस है पाकिस्तान की, जो जुडिशल प्रेसिडेंट्स हैं, उनमें वाकई इनकन्सिस्टेंसीज़ हैं, जो कि जब भी पार्लीमान बैठेगी और तमाम अपोजिशन और हुकूमत इकट्ठे बैठेंगे पार्लीमान में,
तो ये सारी जो कमज़ोरियाँ हैं, ये सारी कमज़ोरियाँ हमारे निज़ाम से, इनको दूर किया जाएगा। देखिए इरफान काय साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, जैसे आपने फरमाया फैसल वाडा केस की मिसाल है, नाहली ख़त्म की गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, उसके बाद खासी बात हो रही है जहांगीर तरीन और मियाँ नवाज शरीफ साहब की नाहली के खात्मे से मुतालिक भी, तो मियाँ साहब की नाहली के ख़त्म होने के कितने इम्कान हैं, और अगर नाहली ख़त्म हो भी जाती है तो मियाँ साहब पर जो दीगर केसेज हैं उन पर से उन कन्विक्शन ख़त्म होने के कितने चांसेज आपको दिखाई दे रहे हैं? देखें, मैं तवातर के साथ पिछले 3-4 साल से ये बात कर रहा हूँ कि जहांगीर तरीन साहब का फ़ैसला बिल्कुल गलत, मियाँ साहब का फ़ैसला बिल्कुल गलत, और फैसल वाडा साहब का फ़ैसला जो है वो तो एक नेचुरल बॉर्न सिटीज़न थे यूनाइटेड स्टेट्स के, और पाकिस्तान में तो वैसे भी हमारे जो कानून है पाकिस्तान के, वहाँ ड्यूल नेशनैलिटी बजाते ख़ुद एक किसी तरह से भी कोई डिसक्वालिफिकेशन की बुनियाद नहीं बन सकती, और आइनी प्रोविजंस जो हैं जब कानून इजाज़त देता है तो उनको इस तरह से तशरीह कर देनी आउट ऑफ द वे जाके कि ड्यूअल नेशनल्स के बारे में कि जी आपने बताया नहीं था तो इसलिए ये अफेंस हो गया, तो आप सादिक और अमीन नहीं हैं, ये सारी चीज़ें मैं तो इससे एग्री नहीं करता। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैं समझता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ ख़ास तौर पर जब से मरियम भी एक्विट हो गई हैं तो अन करीब मियाँ नवाज शरीफ भी बरी ज़िम्मा हो जाएंगे इन तमाम केसेस से, और वो न सिर्फ के अहल होंगे आइंदा इलेक्शन लड़ने के बल्कि माजी की जो उनकी जो फैसले हैं, कन्विक्शंस हैं, वो सब ओवरटर्न हो जाएंगी। लेकिन इरफान काय साहब, ये कन्विक्शन अगर ओवरटर्न होती है तो यकीनन अदालतों से होगी, और उसके लिए मियाँ साहब को वापस आना पड़ेगा, और वापस आएंगे क्योंकि अदालतों ने इश्तहारी और मफरूर भी डिक्लेयर कर दिया, वापस आएंगे तो गिरफ्तार हो जाएंगे, या आपको लगता है कि जमानत मिल जाएगी और फिर अपने केसेस को प्रसू करेंगे? देखें, इस वक्त अदालतें खुद ऑन ट्रायल हैं, मियाँ साहब ऑन ट्रायल नहीं हैं। मियाँ साहब ने तो बहुत बड़ा दिल दिखाया ना जी, कि उन्होंने उस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तिया पाचा नहीं किया जिस तरह से मैं कर रहा हूँ एज ए लीगल एक्सपर्ट, क्योंकि वो अगर सियासी उफक पे इस तरह की बात करते तो गालिबन उनको भी कंटेम्प्ट फेस करना पड़ता। क्विक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले वज़ीर आज़म के मामले में खसूसी बराए एहतसाब और दाखिला इरफान कादर हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। कहा जाता है कि पॉलिटिक्स इज़ द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज़, और सियासत में एब्सोल्युटली नॉट का वर्ड नहीं होता, कि सियासत के दरवाजे पर आप एब्सोल्युटली नॉट या नो लिफ्ट का बोर्ड लगा दें और फिर आप ये कहें कि आप अपने सियासी मुखालिफिन को एहतसाब के सख्त से सख्त शिकंजे के अंदर लेकर आएंगे, आप उनसे बात नहीं करेंगे, आप उनको चोर और डाकू कहेंगे, तो आज मकाफात अमल तो हो रहा है। आज कल तक वो इमरान खान जो पावर में थे और अपने सियासी मुखालिफीन को जेर करने के लिए उन पर तरह तरह के केसेस बनाते थे, आज इमरान खान साहब के गिर्द घेरा तंग होता हुआ दिखाई दे रहा है, और दिसंबर की इस ठिठरती सर्दी के अंदर, इस सर्द मौसम के अंदर इमरान खान पर गर्मी और हिद्दत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। नाहली की तलवार भी है, पार्टी सदारत से सरबराही से हटाए जाने का एक जो है वो एक बार उनके सर पर लटक रही है। दूसरी तरफ जो साबिक वज़ीर आज़म है नवाज शरीफ साहब, उनकी नाहली लगता है कि ख़त्म हो जाएगी, पार्टी की जो सरबराही है वो भी वापस आ जाएगी, पॉलिटिक्स में पॉलिटिकली एक्टिव होने की भी बात हो रही है। तो बार कैफ, अपने आप को पॉलिटिकली इतना स्क्वीज़ नहीं करना चाहिए, नैरो नहीं करना चाहिए कि बिलाखिर आप अपने ही दाम में आ जाएं। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अब तक रखिए ख्याल, अल्लाह हाफिज़।